सम्मान के योग मेरे पिता तुल्य, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज बाबरपुर की मंडी में हम जो पहुंचे हैं, आपके अजीज बड़े लोकप्रिय नेता जो 36 बरादरी के चहेते बन चुके हैं, विजय जैन जी के दीदार करने के लिए आप घंटों से यहाँ बैठे थे, और मेरे पिता तुल्य, मेरे आदर्श और मुरे को राजनीतिक में ले आने वाले मेरे बड़े भाई राजेंद्र सरपंच कचरोली, जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ, और पहलवान जगत में नाम हरियाणा का करने वाले हमारे गुरुजी रामफल चंदोली से जी, तो और भाई लक्ष्मी कश्यप पिट्टू भाई, अपने जितने तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबका यहाँ धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारा विधायक बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, नौजवान साथियों, आदरणीय शिवचरण मित्तल जी, हमारे बहुत ही आदरणीय सतपाल मित्तल जी, ओम प्रकाश मित्तल जी, नरेश मित्तल जी, हमारे बड़े भाई अतरचंद मित्तल जी, राजू नागपाल जी, वीरेंद्र आहूजा जी, भाई अशोक गर्ग जी, रमेश आहूजा जी, सत्यप्रकाश वैद्य जी, पुनीत आहूजा जी, राजेंद्र शर्मा जी, अशोक जावा जी, बब्बल पाहूजा जी, मिट्टू पसरीजा जी, रोमी पसरीजा जी। साथियों, चुनाव का समय, मैं भी आपके पास आया हूं, और भी कैंडिडेट आपके पास आ सकते हैं। चुनाव में मंडी का अहम रोल होता है, क्योंकि मैंने देखा, मैं भी मतलौडा मंडी में, मेरी भी आड़त की दुकान थी, राइस मिल था, सोलेंट प्लांट था, मैं तो इस जमींदार के साथ जुड़ा हुआ हूं, मुझे पता है व्यापारी की क्या समस्या है, किसानों की क्या समस्या है। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से व्यापारी वर्ग में, आड़ती में, जमींदार में दूरी करने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की लीडर सुषमा स्वराज होती थी, वो भी कहती थी कि बढ़िया तो जमींदारों के लिए एटीएम है, आधी रात का गहना है। एटीएम इसलिए कहती थी कि बैंक तो 5 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन किसी जमींदार को कोई पैसा रात को 12 बजे चाहिए तो सीधा वो अपने आड़ती के पास जाता है, 12 बजे भी उसे पैसा मिल जाता है। साथियों, आज मैं भी आपके बीच में आया हूं, आपको पता है भाई मैं टिकट की दौड़ में था, लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर मेरी टिकट काट दी गई, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ 36 बिरादरी का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत दी और मुझे आदेश दिया कि आपको चुनाव लड़ना है, हर हालत में चुनाव लड़ना है। मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथियों से बात की और वहां पर जितने साथी आए थे सभी ने कहा सिर्फ आपको नामांकन भरना, आपका चुनाव 36 बिरादरी लड़ेगी। साथियों, जो होता है वो अच्छा होता है, परमात्मा की मर्जी थी कि ये टिकट काट दो, विजय का टिकट कट दिया और विजय को 36 बिरादरी के साथ जोड़ दिया, भगवान ने जोड़ा है, भगवान। आज जहां भी जाता हूं, चारों तरफ चाहे गांव है चाहे कॉलोनी है, एक तरफा माहौल है, गांव वालों में इतना उत्साह, कोई कंपेन में लेके जाता है, कोई ट्रैक्टर पे स्वागत करता है, सैकड़ों सैकड़ों ट्रैक्टरों का काफिला, बाइकों का काफिला, जो बच्चों में हो, बड़ों में, बुजुर्गों में जो हौसला है, उनको उम्मीद है कि वो अपने बेटे, अपने भाई विजय से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी आवाज उनके विधानसभा में गूंजेंगे। साथियों, मैं राजनीति करने सेवा में, राजनीति में पैसा कमाने के लिए नहीं आया या चौधर करने के लिए आया, मैं सिर्फ सेवा करने के लिए आया। बाबरपुर मंडी वाले जानते हैं, जिस तरह से मुझे पार्षद का टिकट मिला था, यहाँ पर बहिष्कार कर दिया था चुनाव का, क्योंकि कुछ समस्याएं थी, वो मौजूदा विधायक ने पूरी नहीं की थी, 10 वोट पड़ी थी, 10 की 10 मेरे को वोट आई थी। और साथियों,
बाबरपुर मंडी के जो भी काम थे मैंने मन से बाबरपुर मंडी के काम किए। मौजूदा नेताओं के द्वारा काम रुकवाने की कोशिश की गई। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई मनीष शर्मा जी है, ब्रह्मण माजरा के सरपंच साहब, आपका स्वागत है। और साथियों, मैंने बाबरपुर मंडी के, चाहे मंडी की सड़क बननी हो, चाहे शमशान का टेंडर था, मौजूदा नेताओं के द्वारा वो कैंसिल करा दिए गए। बिट्टू भाई खड़ा है, हमारे बड़े भाई अतरचंद जी खड़े हैं, ये जानते हैं कि चार बार टेंडर लगवाए, चारों बार कैंसिल करा दिए गए। लेकिन लास्ट में मैंने ऊपर मुख्यमंत्री को दबाव दे करके वो टेंडर लगवाया और आपका ये काम चल रहा, अभी चल रहा। साथियों, मैं पीछे नहीं हटूंगा आपकी बात आवाज उठाने में। भौजी ओम प्रकाश जी, आपके जो भी काम होंगे, जो भी आपके पीछे के लाने हैं, कोई भी लाना नहीं आए दूंगा। 5 साल का आपको कोई अपने पार्षद से लाना है, मैं 5 साल पार्षद रहा, कोई लाना है आपको, कोई मंडी वाला, कोई वार्ड वाला, कोई पानीपत वाला आपके भाई के ऊपर कोई उंगली उठा सकता हो तो मैं खुला चैलेंज कहता हूँ। मैंने भरपूर कोशिश की है कि मेरा ये दामन चिट्टा रहे, इसमें कोई दाग न लगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा हूँ। और कोई आज पानीपत में कोई ये नहीं कह सकता कि विजय जैन ने कमीशन के नाम पे 5 पैसे का कोई चाय नहीं। साथियों, प्रभु से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि सेवा करते करते ये जिंदगी पूरी हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। मैंने त्याग दिया अपना व्यापार वगैरह, सब भाइयों को बच्चों को सौंप दिया, जब तक जीऊंगा गरीब आदमी की सेवा करता रहूंगा। आपने कोरोना भी देखा होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगा दिया था, लॉकडाउन लगने के बाद सारी फैक्ट्रियां सारी दुकानें बंद हो गई थी। लेकिन हमारे पानीपत में प्रवासी लोग बहुत है भाऊजी अतरचंद मित्तल जी, 80% लोग ऐसे हैं जो प्रवासी साथी हमारे, जो सुबह दिहाड़ी करते तो शाम को उनके यहाँ चूल्हा चढ़ता है, ताजा कमाते ताजा खाते हैं। गांव में तो फिर भी जमींदारों के पास सबके पास एक एक साल का अनाज स्टॉक में होता है, लेकिन प्रवासी लोग जो हमारे पानीपत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो आए हैं, उनके पास ऐसी सुविधा नहीं होती, ताजा कमाते ताजा खाते हैं। हमने संकल्प लिया था उस लॉकडाउन में कि पानीपत में किसी भी जरूरतमंद को भूखा नहीं छोड़ने देंगे। आप सबके सहयोग से हमने 25-25, 30-30 हजार पैकेट खाने के डेली बनाए, और भी संस्थाओं ने बनाए। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का जिन्होंने पानीपत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और किसी को भी भूखा नहीं छोड़ने दिया। साथियों, मैं तो अपनी तरफ से कहता हूँ, हम सबका फर्ज बनता है कि देश के ऊपर कोई ऐसी आफत आए, हमें राजनीतिक मतभेद भूल करके देश की सेवा करनी चाहिए। साथियों, मैं आपके बीच में आया हूँ, आपका समर्थन लेने के लिए आया हूँ, आपसे वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। जिस तरह से मेरा टिकट कटा, 36 बिरादरी ने मेरे को आशीर्वाद दे के मेरा नामांकन भरवा दिया और कहा था कि आपका चुनाव 36 बिरादरी विजय जैन बनकर लड़ेगी। आज मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, जहां भी जाता हूँ हर साथी अपने आप को विजय जैन मान के, हर आदमी कहता है मैं भी विजय जैन, मैं भी विजय जैन, और चुनाव लड़ रही हूँ। मैं आपसे भी अपील करता हूँ, आप भी मेरा चुनाव विजय जैन बन के लड़ोगे ना, आप सब अपने आप को विजय जैन बना के लड़ोगे। और ये सेब का निशान है, सेब का निशान है, इस पे मोर मारते हुए कौन से निशान पे मारोगे मोर, कौन से निशान पे? साथियों, मैं तो सदा आपके बीच का हूँ, आपके बीच में रहा था, रहता हूँ और रहूंगा। साथियों, 11 दिन शेष बचे हैं इलेक्शन के, ये 11 दिन आपने अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बोलना है कि हमारा भाई, हमारा बेटा विजय जैन सेब का चुनाव पे निशान लड़ रहा है और आपको आशीर्वाद देना। बोल दोगे अपने रिश्तेदारों को, अपने साथियों को बोल दोगे ना, एक तरफा माहौल बना दोगे? साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये 11 दिन मेरे को दे दो, मैं अपनी पूरी जिंदगी आपको दूंगा, पूरी जिंदगी। एक कुछ नेताओं ने एक और काम बना रखा है, हर वार्ड के हिसाब से, कॉलोनी के वास्ते 2-2, 3-3 आदमी अपने बना रखे हैं,
कोई दूसरा आदमी काम कराने के लिए जाए तो वो कहता भाई फलाने से पूछ ले करें नहीं करें, ऐसा कोई काम नहीं होगा मेरे पास। सीधा आओ, जब भी आप काम के लिए आओगे उसी टेबल पर साथ ही साथ आपका काम कराने की कोशिश करूंगा। चाचा मेरी बात सुनो, जो मान सम्मान बुजुर्ग का होता है ना, अगर आप बच्चा भी भेज दोगे उसका भी वही मान सम्मान होगा, वही मान सम्मान होगा। काम के मामले में चिंता मत बनो। ये बिट्टू खड़ा, बिट्टू भाई बहुत बढ़िया काम करे भाई सर, जो बच्चे भी चले गए ना उसके भी काम करेंगे आदमी, कोई आधी रात में काम होंगे आपके बीच में सेवा। मैंने आपको बताया ना, मैं अपना धन छोड़ करके आपके बीच में आया सेवा करने के लिए, और जरूरतमंद की तसल्ली से सेवा करता हूँ। कोई गरीब कन्या की शादी हो, किसी की आंखें मुड़नी हो, खूब कराई हमने। अब तो आचार संहिता कुछ घोषणा कर नहीं सकते, लेकिन एक बार 8 तारीख में बढ़ दो चाचा, जो काम जिम्मे लगाओ काम करूंगा मैं। चाचा हमारे माँ बाप ने एक चीज सिखा रखी, चाचा सुनो, हमारे माँ बाप ने और गुरु ने एक बात सिखाई है, ये छल्ला है ना, जब आत्मा निकल जाए शरीर में से घर वाले छल्ला भी नहीं जाने देते, तो क्यों कमाना चाहिए, जो कमाओगे पब्लिक में खर्च करेंगे। हमारी शान है ये। हमारे भाई दर्शन मित्तल ने मेरे को 2014 में मेरे को याद है इस विधायक के साथ जैसे हमने काम किया, लेकिन वो वहां मान सम्मान नहीं मिला। लेकिन आपको मैं बताऊंगा, एक बार इलेक्शन लड़े दो, मान सम्मान क्या चीज होती है। हम कोई राजनीति करने नहीं आए, सेवा करने के लिए आए चाचा, सेवा में पीछे नहीं हटेंगे चाचा। कोरोना सुनो, सुनो मेरी बात चाचा, सुनो मेरी बात, आज आगे आ जाए। कोरोना में हमारे को किसी ने कहा था नहीं मर जाओ, अपनी आत्मा ने कही, अपनी आत्मा ने कही, अपनी आत्मा ने कही कि भाई अपने यहाँ प्रवासी लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं भाई, जो सुबह गाड़ी करते थे शाम को थोड़ा चला, हमारी आत्मा ने कही टिका के सेवा करी और हम पे भी सेवा करी। आशीर्वाद एक बार सुनो अभी मैं ओम प्रकाश मित्तल जी को बनाना चाहूंगा कि वो स्वागत भी करेंगे भाई साहब का, और मान और सम्मान। तो मैं पूरे आर्ट एसोसिएशन की तरफ से भाई साहब के यहाँ पहुंचने पर, भाई साहब जी बावरपुर मंडी का ये इतिहास रहा है कि वोट एक देते हैं बना के दो देते हैं, तो पहले विधायक बनाते फिर मंत्री बनते हैं। हेलो, मैं ओम प्रकाश मित्तल की बावरपुर मंडी अपने सभी भारतीय एसोसिएशन, एक वोट भी कहीं जाने वाला नहीं है। आप एमएलए नहीं बनोगे, आप एमएलए बन चुके हो, और किसी भी प्रकार की कोई हमें इस प्रकार का जो हमारे कोई मन में वहम ही इसको नहीं है। मुंह पे लगाओ इसको। हेलो, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ अपनी एसोसिएशन बरादरी की तरफ से, आरती एसोसिएशन के किसान भाइयों की तरफ से, जो मेरे मजदूर भाई हैं, जो मेरे वाल्मीकि भाई हैं, जो मेरे ग्रामीण वोटर है, बिल्कुल बीता दिल सजा नजान साहब के साथ हैं। इनको हमने एमएलए नहीं बने, ये बना दिए गए हैं, ये एक कर्मठ गुजारो ईमानदार नेता, ऐसे हमारे ग्रामीण हल्के से भाई विजय जैन जी को हमने कामयाब बनाना है। मैं सब भाइयों से अपील करता हूँ कि दिल तहे दिल से इस भाई विजय जैन जी को कामयाब बनाए,
12 बजे भी अगर भाई साहब विजय जयंती को हम बुलाएंगे तो ये हमारे साथ एकदम से खड़े होंगे। ये बिल्कुल ईमानदार आदमी है, कर्मठ ईमानदार, इनको किसी प्रकार की पैसों की किसी भी भाव नहीं है, इन्होंने सेवा करनी है हमारी पब्लिक की। जना हम तो इनसे यही चाहते हैं भाई विजय जयंती से कि आप MLA तो बढ़ चुके हो ताकि इस ग्रामीण एरिया की जनता का विकास हो चुके। हम रात को 12 बजे भी अगर आपसे उम्मीद रखे कि आप आए और हमारा काम करें, जो भी हमारे कार्य रुके हुए हैं 10 साल से इस BJP सरकार के अंदर जाने जो काम नहीं हो चुके वो काम हम आप लोगों से जाना उम्मीद करते हैं। भाई विजय जैन जी जाना भी हमारे जाना रुके, मेरी माताएं बहने देवी देव जो भी हैं, जो भी आप तो सुख में जाने आए, आप इनको जो है पुचकारे, आप इनका काम करें। मैं तो यही अपने मंडी एसोसिएशन की तरफ से, सब आर्थिक भाइयों की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से यही अपील करूंगा कि भाई विजय जैन जी, मैं ओम प्रकाश जैन जी के साथ में दिल दर्द 10 साल से लगा था, पर मेरे को जो उसने निकारा मेरी आत्मा लोच की जाना, आज मेरे विजय जैन भाई जी जाना, मैं उनसे यही उम्मीद करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा, हम आपके साथ दिल से लगे हैं, आप हमारे को जाना ऐसा प्यार देना कि हमारे को घर में भी प्यार न मिले। बाकी कामयाबी तो जहरा परमात्मा देने वाला है और मैं एक सच्चे दिल से कहता हूँ कि आप MLA बन चुके हैं, ये दावे से कहता हूँ मैं देना। मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन TV के सामने ऑन माइक के सामने मैं बात करूँ देना, मैं दिल से को भी कोई ऐसी बात दिल की गहराइयों से मैं दोबारा जो है ना विजय भाई जी का अपना तरफ से, अपने बिरादरी की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से विजय जैन जी का जो है मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका जो है समर्थन करता हूँ। हमारी तरफ साहब से यही है प्रार्थना है कि आप भी हमारे रहेंगे ताकि हम भी आपके साथ खड़े रहे। आपको तो कामयाब बनाना है, हमने तो बना दिया, हमने तो बना के भेज दिया जाना, ये तो तारीख 8 तारीख को तो आएगी, 8 तारीख को सबसे पहले हमारे विजय भाई जैन जी डिक्लेयर होंगे, ये हो चुके हैं कि सबसे वोट बदली है 5 तारीख को। मैं सभी बिरादरी से, सभी छत्ती बिरादरी से भाइयों से यही अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग विजय जैन जी को भाई जी को दिल से कामयाब बनाएंगे, ये आपको जो है कभी भी ये एहसास नहीं होंगे क्योंकि मैंने वोट विजय भाई जैन जी को देखे, मैंने अपना नुकसान कर लिया, ऐसा हमने नहीं करना है। विजय भाई जैन जी हमारा काम करेंगे और हमने उनको तय दिल से काम करना, दादा न कहते हुए पिछड़े बोलते हुए मैं पुणे में आना विजय जैन जी का अपनी बिरादरी का प्रयास की तरफ से मैं दोबारा इनका अभिनंदन करता हूँ, दोबारा जो इनका अभिनंदन करता हूँ जाना भाई साहब को विजय जैन जी को कामयाब बनाए, दादा ने बोलते धन्यवाद, जय हिंद, ओम प्रकाश मित्तल। मैं अब हमारे लक्ष्मी भाई जी पूर्व प्रत्याशी ग्रामीण से बहुत जुझारू नेता जी है और जुझारू आदमी भी है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपनी दो बात रख के भाई साहब के बीते भाव है। मेरे बुजुर्गों साथियों, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पैरों में कभी बाज नहीं होते, कमजोर और बुझ दिलों के हाथों में कभी राज नहीं होते, जिन्हें पड़ जाती है जुल्म के आगे सिर झुकाकर चलने की आदत, उनके सिरों पर कभी ताज नहीं होते। साथियों क्या हुआ अगर मिट जाएंगे, क्या हुआ अगर मिट जाएंगे श्री विजय जैन और मंडी के वास्ते बुलबुल भी कुर्बान होती है बुजुर्गों, चमन के वास्ते। बहुत ही आदर व सम्मान के योग आज की सभा के मुख्य मेहमान ग्रामीण हल्का के विधायक श्री विजय जैन जी, मेरे साथ में आए मेरे बड़े भाई रामरतन शर्मा जी, सोयब खान जी, तमाम मेरे सामने बैठे मेरे पिता के समान मेरे बुजुर्गों, मंडी के एसोसिएशन के प्रधान मित्र, तमाम पत्रकार संघ, सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। साथियों बहुत ही सम्मानित व्यक्ति मेरे बड़े भाई बिट्टू जिला पार्षद बाबुरपुर, जिनका एहसान में बुलाए से नहीं भूल सकता, इतने मेरे साथी साथियों, जितनी तारीफ को कम है, ये वो इंसान है जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ बिकेगा नहीं, और जो नहीं कहा वो हाँ नहीं भरेगा। जोधपुर तक हम लोग राजनीति करने के लिए गए, ये बातें अलग है, आज चुनाव का दौर है मेरे बुजुर्गों, आज ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया, साथियों हम लोग वोट डालना सीख जाए, तमाम लोग आज अपने भविष्य का फैसला करेंगे, एक जज वो है जो कोर्ट में फैसला करता है, एक जज आप है जो आने वाली 5 तारीख को अपने भविष्य का फैसला करेंगे। चिल्लाने की जरूरत नहीं साथियों, भौंकने की जरूरत नहीं,
अब समय आया है अपनी वोट का सेब के निशान पर लगाकर सारे काम भूल जाएं। विजय जैन वो आदमी है साथियों, आपको टोहे से नहीं मिलेगा। जिस तरह बंजारा कुत्ते को मार के रोते इतिहास दोहराओगे। अरे राजनीति करने के लिए लोग आपके बीच में बहुत आते हैं आते रहेंगे, लेकिन विजय जैन जैसा आदमी, ऐसा भावुक, ऐसा समाज सेवी, लॉकडाउन के अंदर 80-80 हजार पैकेट हम लोगों गरीबों के लिए हर कॉलोनी में भिजवाए, इसका एहसान नहीं है साथियों, ये मन का भाव है। विधायक की जरूरत नहीं थी, जनता की आवाज है साथियों, ये जनता की टिकट है, समय का भाव है। अंत में एक बात कहकर खत्म करता हूँ साथियों, याद रखना मेरे भाइयों, अपनी जमीन को जिंदा रखे, टिकाऊ मत बने। अरे टिकाऊ बने, बिकाऊ मत बने। आज विजय जैन आपके घरों में झोली पसार कर हम लोग सब, पिट्टू जैसे जिला पार्षद, राम रतन शर्मा जैसे, हम लोग झोली पसार कर इसलिए आए हैं, हम इसके वकील नहीं, इसके गुलाम नहीं, इसके विचारों के गुलाम है, इसकी आत्मा के गुलाम है। ऐसा विधायक बनना चाहिए, हल्के की बात दो ऐसे आदमी के हाथ में आनी चाहिए साथियों। मैं पूर्व प्रत्याशी कश्यप सवाल से था साथियों, पिछली बार LSP से राम रतन शर्मा चुनाव लड़ चुका है। हम लोग चाहते तो कहीं मलाई चार सकते थे, लेकिन विजय जैन जैसा आदमी हमें अच्छा लगा, विचार अच्छे लगे, भाव अच्छा लगा। इस वोट को आने वाली 5 तारीख को सेब के निशान पर देकर खुले कुआर सोए। मैं ज्यादा कुछ न कहता हुआ साथियों, अरे बरा नहीं जो भाव से बैठी, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसको विजय जैन और सेब से प्यार नहीं। अतीत खुद में जवाब है।